अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और उसी कोर्स के रिलेटेड आज हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस प्लेलिस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स की, उसको वहां पर जाकर बुक मार्क करें ताकि जिस सीक्वेंस से वीडियो आती जाए आप समझते जाएं और सारे टॉपिक आपके क्लियर होते जाएं। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सबसे पहले एक आपको आम वर्डिंग में यानी आम अल्फाज में समझा देते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, जो कि हमने पहले डेफिनेशन अच्छे से समझी थी कि प्रोसेस क्या होता है। एक प्रोग्राम जो अंडर द एग्जीक्यूशन हो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें उस प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोसेस किस स्टेट में है, प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, कौन सी फाइल को वो यूज कर रहा है, किस डिवाइस को वो यूज कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक कंट्रोल ब्लॉक में होती है जिसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। इसके अलावा इसे हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कह देते हैं। वन बाय वन करके हम इन सबको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस स्टेट की बात करते हैं। तो प्रोसेस स्टेट से मुराद ये है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये मेंशन होगा, यानी ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उस प्रोसेस के रिलेटेड जिसका वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है कि इस वक्त वो प्रोसेस किस स्टेट में है, और ये अपडेट होती रहेगी। यानी कि एक मरतबा रनिंग के बाद वो वेटिंग में गया तो रनिंग ही प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, जैसे ही प्रोसेस स्टेट को चेंज करता रहेगा वो भी अपडेट होता रहेगा साथ साथ। तो रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटिंग या रेडी क्यू में होगी प्रोसेस की स्टेट मुख्तलिफ। अगर आपको प्रोसेस स्टेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इससे जो पिछली वीडियो है उसमें हमने अच्छे से समझा था कि प्रोसेस स्टेट क्या होती है और कैसे एक प्रोसेस दूसरी स्टेट में कब जाता है, कब वेटिंग में जाता है, कब रनिंग में आता है। तो उस वीडियो को लाजमी देख लें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम काउंटर की बात करते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर का मतलब ये है कि वो एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शन जिस इंस्ट्रक्शन पिछले इंस्ट्रक्शन से छोड़ा था। यानी इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल को समझना होगा। यानी दो प्रोसेस हैं P1 और P2 लगा ले, और P1 में 3 इंस्ट्रक्शन है और इसी तरह P2 में भी 4 इंस्ट्रक्शन है, और P1 में 2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया CPU ने, फिर वो उसके पास चला गया, स्विच हो गए P2 के पास, वहां पर भी वो 2 को एग्जीक्यूट करता है और वापस आता है P1 के पास। अब क्या होगा कि उसने 2 तो एग्जीक्यूट कर ली लेकिन तीसरी उसने करनी है, तो उसको पहले से मालूम हो कि उसने 2 कर लिया है, अब उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट स्टार्ट करनी है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर में होगी कि ये वो बताएगा कि आपने कहां से CPU ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, कितनी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। ये ना हो कि वो दोबारा से स्टार्ट करे, बल्कि वो वहां से स्टार्ट करे जहां पर उसने छोड़ा था। तो प्रोग्राम काउंटर में उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। आगे CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन होती है, यानी प्रायोरिटी के हिसाब से वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट ये होगा, या मुख्तलिफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम आगे समझेंगे जाके आने वाली वीडियो में। फिलहाल यही आप समझ लें कि CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन भी इसमें स्टोर होती है। इसी तरह मेमोरी के रिलेटेड भी कि प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी CPU किस टाइम तक इसे CPU का टाइम मिल सकता है, क्लॉक टाइम और स्टार्ट टाइम लिमिट्स वगैरह। इनपुट आउटपुट स्टेट इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एलोकेट द प्रोसेस लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, यानी कौन कौन सी फाइल को यह प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है, किस डिवाइसेज को ये इस्तेमाल कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है। ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है, इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। यानी प्रोसेस स्टेट रनिंग में है, वेटिंग में है, या फिर किस स्टेट में है प्रोसेस, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक में सेव होगी। और इसके बाद प्रोसेस नंबर, इसका मतलब है कि प्रोसेस का यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसकी आईडी क्या है, तो उस प्रोसेस की आईडी जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे देगा वो यहाँ पर स्टोर होगी। जैसे कि हम अपने हिसाब से समझने के लिए क्या आईडी देते हैं, P1, P2, P3, जो कि P1 को P2 से अलग नाम दिया जा रहा है। इसी तरह जो प्रोसेस का नंबर होगा वो भी अलग होगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से असाइन होगा। प्रोग्राम काउंटर हमने देखा कि अगर 2 हमारी एग्जीक्यूशन हो गई है और CPU स्विच कर गया था, दोबारा जब आया है तो वो जो 2 हो गई है उसके बाद तीसरी पर जाएगा। तीसरी पर कैसे जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में उसकी वैल्यू होगी कि आपने इतनी एग्जीक्यूशन होगी, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद रजिस्टर है, रजिस्टर ये इनपुट या कैलकुलेशन के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि प्रोसेस आता है, CPU से एग्जीक्यूट करता है, मुख्तलिफ वैल्यूज या कैलकुलेशन होती है तो वो रजिस्टर में स्टोर हो जाती है, और जैसे ही वो प्रोसेस दोबारा मेमोरी में जाता है तो इसमें जो वैल्यू होती है वो उठाकर
ले जाता है। इसी तरह मेमोरी लिमिट्स, कितनी मेमोरी एलोकेट की गई और कौन कौन सी फाइल्स ओपन है, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल कर रही, ये मेरे ख्याल में सारे का सारा मैंने कवर करने की कोशिश की है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के रिलेटेड। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।